नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है द रोज वर्ड में। मेरा नाम है अंजन। आज हम सीखेंगे कैसे वेगास 14 प्रो पे काम किया जाता है। पहले वेगास को खोलते हैं। खोल रहा है, लीजिए खोल गया। अभी फाइल पे चलते हैं, ओपन एंड कोई वीडियो चूज करते हैं, अच्छा वाला 4K वीडियो। ये 4K वीडियो ओपन, ये देखिए आ गया, देखिए आ रहा है, ये आ गया। आप वेगास 14 प्रो से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है वेगास की और मैं इसी पे काम करता हूँ। आज हम सीखेंगे बहुत ही बेसिक सी कुछ चीज़ें वेगास की जो हर रोज काम आता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ऑडियो वाला पोर्ट है, इसको आप म्यूट कर सकते हैं। अब देखिए सिर्फ वीडियो चलेगा लेकिन ऑडियो नहीं होगा। ऑडियो म्यूट कर दिया, फिर से ऑडियो चालू कर दिया। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। तो अभी हम इस दोनों को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। एक ऑडियो में क्लिक कीजिए, कीबोर्ड से यू प्रेस कीजिए, देन राइट क्लिक एंड डिलीट। ये देखिए ऑडियो डिलीट हो गया, अभी सिर्फ वीडियो है। हम अभी कुछ न्यू ऑडियो यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए ऐड करते हैं फाइल, ओपन न्यू म्यूजिक। आपका जो म्यूजिक पसंद है, मैं एक इंग्लिश सॉन्ग को ले रहा हूं। जो भी गाना आपको पसंद है चलिए लेते हैं यही। यू कैन विन इफ यू वांट ऑफ मॉडर्न टॉपिक। देखिए गाना बहुत ही छोटा है लेकिन वीडियो बहुत ही बड़ा है, तो उस हिसाब से हमें वीडियो को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो गाना को पोजीशन पे ले आते हैं। अब हम वीडियो को थोड़ा छोटा करेंगे काट के। तो क्या करना पड़ेगा, वीडियो पे जहाँ भी आप काटना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एस दबाइए तो ये अलग हो जाता है। जहां भी आप फिर से कट करना चाहते हैं कीबोर्ड से एस को प्रेस कीजिए तो ये सेपरेट हो जाएगा। देखिए फिर से अलग हो गया। अभी आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे छोटा करेंगे, आप अपने हिसाब से छोटा कीजिएगा। माउस की जो स्क्रॉल है उसको ऊपर उठा के इसको बड़ा और नीचे नमा के छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा वीडियो है जो हमने अलग किया था, इसको एक साथ आप ऐड कर सकते हैं इसको। अब देखिए वीडियो में कुछ चेंज हो गया है, ऑटोमेटिक दूसरा वीडियो चालू हो गया। ऐसे ही होता है वेगास पे। अब ये जो और वीडियो है इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। इसको छोटा करते हैं, देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करके किसी भी वीडियो को आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसको वीडियो को एक जगह पे लाइन में लाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे वीडियो। अब और भी कुछ चीज है यहाँ पे, आज हम सब कुछ सिखाएंगे आपको एकदम फुल बेसिक वेगास सिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे एक टूल्स है, इसको डाउन करेंगे तो
पिक्चर का ब्राइटनेस थोड़ा घट जाएगा, इसको ऊपर उठाएंगे तो पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फेड आउट ऑप्शन आ रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आइए और देखिए क्या होता है। ये हमेशा आप वीडियो के फिनिश में ऐसा कर दीजिएगा ताकि एंडिंग खूबसूरत हो जाए। एंडिंग पे लाइट कम हो जाएगा, वीडियो का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। देखिए ऐसा होगा, लाइट कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, देन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप नया नया कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत वेगास की बहुत टूल्स है, जैसा हमने यहाँ पे रे, वेगास रे को चूज किया, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको क्लोज कर दीजिए तो ये ऐड हो जाएगा। देखिए वीडियो में बहुत कुछ चेंज हो गया है, एक रे आ रहा है वीडियो से बाहर। तो यही वेगास की पहचान है, बहुत खूबसूरत सा सॉफ्टवेयर है, आप सब बहुत अच्छी तरह से यूज कीजिए। इस जगह को देखिए, ये वीडियो को छोटा बड़ा करता है, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। आप पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए पिक्चर को हमने उल्टा कर दिया और यहां से क्लोज करके निकल जाते हैं तो ये ऐड हो जाता है। ओके, ये देखिए पिक्चर उल्टा हो गया। आप कुछ भी कर सकते हैं वेगास पे, बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्टवेयर है। ये उल्टा हो गया पिक्चर। ओके, अब नया कुछ करते हैं। आप किसी भी वीडियो एंड ऑडियो को नीचे ऊपर सब कुछ कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं, चलिए तो राइट क्लिक एंड इंसर्ट टेक्स्ट मीडिया। ओके, अभी यहाँ पे बहुत कुछ लेयर है, ये इसको डिफॉल्ट बहुत कुछ है। यहाँ पे स्टाइल आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, मैं एक्शन क्लिप को ले रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखा हूँ मेरे YouTube चैनल का नाम द रोल्स वर्ल्ड। ओके, देन इसको सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल ए से, फिर इसको छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ऐसे अपने अपने हिसाब से। आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे बैकग्राउंड चाहिए नहीं क्योंकि बैकग्राउंड तो पहले से ही है, इसलिए मैं लूंगा नहीं। एडवांस में जाइए तो आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, तो मुझे चाहिए नहीं, मैं लूंगा नहीं। ओके, तो क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट, शुरुआत में अच्छा लगता है दिखने में। देखिए ये देखिए टेक्स्ट आ गया, शुरुआत में अच्छा लगता है टाइटल के रूप में। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टाइल वेगास का जितना भी यहाँ पे स्टाइल है सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, कैसा लग रहा है देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट दे रहा है तो देखिए कैसा लगता है। देखिए द रोज वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो और भी कुछ कर सकते हैं। इसको काटना पड़ेगा पहले, नया कुछ डालने से पहले। फिर से यहाँ पे आते हैं वेगास रे पे जाते, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। देखा तो दिखने में अच्छा लगता है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे, रे को कैसे कंट्रोल करेंगे, ऊपर नीचे छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं।
क्लोज कर दिया। अब देखिए पहले से चल, देखिए ऐसे ये हो गया, दिखने में अच्छा लगता है पहले। अब नेक्स्ट करेंगे ये वीडियो जो ऊपर चला गया, ऊपर था पहले से, इसको नीचे लाएंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करने के बाद इसको नीचे ला देंगे, इस वीडियो को भी नीचे ला के ऐड कर देंगे। अब याद रखिएगा ऑडियो के लास्ट पोजीशन एंड वीडियो के लास्ट पोजीशन एक होना चाहिए, क्योंकि तब ऑडियो से मेल खाता है। ऑडियो से मेल नहीं खाएगा तो वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ओके देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा कटते हैं, कट कर करते हैं। देखिए कीबोर्ड के एस दबाने से कट हो जाता है वीडियो में। अब देखिए ट्रांसिशन, यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। एक एक स्टाइल है, कैसे यूज करते हैं मैं बदलता हूँ आपको। मैं लूंगा पेज रूल, ओके। देन इसको ड्रैग करके उस सेपरेट पोजीशन में इसको सिर्फ छोड़ देना है, जिस वीडियो को हमने जहाँ पे सेपरेट किया था वहाँ पे सिर्फ छोड़ देना है, और वीडियो को थोड़ा ड्रैग करके और एक वीडियो के अंदर घुसा देना है। अब देखिए देखिए ये स्टाइल हो गया। अब फिर से करते हैं, एक नया स्टाइल लेते हैं 3D। यहाँ पे ड्रैग करके 3D को सेपरेट की पोजीशन पे छोड़ देते हैं, ओके। क्लोज करके निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसा हुआ, ये देखिए एक नया स्टाइल हो गया, देखा। अब वेगास पे बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे, खुद कोशिश कीजिए और बहुत कुछ सीखिए, और नया नया वीडियो पाने के लिए तो रोज वर्ल्ड में जो वीडियो हर रोज छोड़ा जा रहा है आप देखिए, देख के सीखिए। जब आपका एडिटिंग कंप्लीट हो गया तब कीबोर्ड से एन प्रेस कीजिए। कीबोर्ड से एन प्रेस करने के बाद यहाँ पे दो लाल ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को एक स्टार्ट पे एंड दूसरा फिनिशिंग पॉइंट पे सेट कर दीजिए, क्योंकि ये लाल दो ऑप्शन जिस जगह पे रहेगा उसी जगह पे सिर्फ रेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो ये फुल सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि फुल सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है रेंडर के लिए। अब रेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक विषय है वेगास पे, रेंडर नहीं करेंगे तो ये वीडियो जॉइंट नहीं होगा, ओके। तो इसको इसलिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब चलते हैं फाइल पे, रेंडर एस, यहाँ पे देखिए आ रहे हैं। पहले नाम लिखिए, अपना टाइटल दीजिए, और फोल्डर को कहाँ पे सेव करें इसको भी ठीक कर लीजिए। मेरा टाइटल दिया हूँ मैं द रोज वर्ल्ड, मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है। अब मैं इसे विंडोज मीडिया वीडियो पे रेंडर करूँगा, ओके। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे AVI, MP4, MPEG2 सब कुछ कर सकते हैं। मैं विंडोज मीडिया वीडियो प्लेयर फॉर्मेट को लूँगा और 1080 HD पिक्सल से मैं इसको रेंडर करूँगा। देखिए अभी रेंडर होना शुरू हो गया, ओके। देखिए रेंडर होने के बाद ये वीडियो कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप पे सेव हो जाता है। तब इसे चलाते हैं, देखते हैं। देखिए हमने जो किया था वो हमारा वीडियो बनके तैयार हो गया।
ओके। तो ऐसे ही दोस्तों आप बहुत कुछ वेगास 14 प्रो से सीख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी कहिएगा, सब मिलके एक साथ सीखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल एक फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।